एक हम और एक तुम ऐसे मिले इस तरह, एक हम और एक तुम ऐसे मिले इस तरह, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये तो होना ही था। एक हम और एक तुम ऐसे मिले इस तरह, एक हम और एक तुम ऐसे मिले इस तरह, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये तो होना ही था। प्यारे जी है ना, उनको वो सिक्योरिटी हाँ हाँ उसकी जरूरत है। मुझसे अच्छा वॉचमैन उन्हें कहाँ मिलेगा। मैं चिकनी चाची, कल मेरे घर पे कॉफी पीने के लिए आ जाना है। तुम एक वॉचमैन के साथ शादी करने जा रही हो? और मेरे से शादी करेगी कि नहीं? अरे मेरी बात सुन, चुप चुप बोल बहादुर, मेरे से शादी करेगा कि नहीं? Happy Valentine's Day! Thank you! Thank you! ये मेरे लिए है मम्मा। अरे ये विकी तो तुझे फूल देकर फूल बनाता ही रहता है, तू इतनी खुश क्यों हो रही है? मम्मा मैं गुलकंद बनाने की रेसिपी सीख रही हूँ, ये गुलाब की पंखुड़िया मुझे काम आएगी ना। गुलकंद? अरे गुलकंद नहीं तो और क्या फकीर चंद है? बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है, तुम्हारे जैसे दो चार रुपए का गिफ्ट लेकर नहीं आते। चलो हटो। क्या लेकर आया है? मैं ये नेकलेस लाया हूँ। Yes, baby. ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया है। पूरे 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख? ओहो बॉबी, तुम इतने से हो, मैं तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, तुम वाकई में दिल के बहुत अमीर हो। और इस विक्की को देखो, 2 रुपए के फूल लेकर आया मेरी गुड़िया के लिए। क्या ये फूल आपकी गुड़िया के लिए था? तो विक्की मेरे लिए क्या लाए हो? अरे सोनिया, आंटी जी तुम्हें ही गुड़िया कह रही है। और आंटी जी आप मुझे कम मत समझिए, मैं अगर चाहूँ ना तो सोनिया के लिए ताजमहल बनवा सकता हूँ। अरे रहने दो रहने दो। अरे ताजमहल तो शाहजहां ने बनाया था मुमताज के ऊपर जाने के बाद, इसके जीते जी तुम इसके लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं हो। अरे जाओ भाभी जाओ, मैं सोनिया के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। हाँ वो तो हमने देख लिया है, जेब में 2 रुपया नहीं और चरम मुरारी ताजमहल बनाने के लिए। सोनिया ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। 1.5 लाख के नेकलेस के साथ 50,000 का इयररिंग। लो ना तुम्हारे लिए। So beautiful. अरे क्या हुआ विक्की साहब, आप संजय पीला भंसाली को मिल के आ रहे हो क्या? क्यों नहीं, आपका मुंह इतना लटका हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने देवदास का रोल आपको देने से मना कर दिया। अरे नहीं राजा, ये बॉबी हमेशा सोनिया के सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। अच्छा हुआ का है विक्की साहब, ये तो बताइए। अरे दरअसल आज ना मैं अपनी सोनिया के लिए एक लाल गुलाब लेकर गया था, लेकिन वो कमीना कहीं से डायमंड नेकलेस ले आया और मेरी सोनिया को गिफ्ट कर दिया। डायमंड नेकलेस? उसकी इतनी हिम्मत कि 6 महीने से घर का भाड़ा नहीं दिया है और डायमंड नेकलेस दे रहा है सोनिया को? फिर तो बहुत सही मौका है राजा, मौका देखकर चौका मार दो, जितना बकाया किराया है ना आज वसूल कर मारो, क्योंकि मेरे ख्याल से बॉबी के पास कहीं से बहुत सारे नोट आए हैं। विक्की साहब जब भाड़ा वसूलने की बात आती है ना तो ये राजा राजा नहीं रह जाता है, एकदम पपटिया जाता है। मतलब हमारे अंदर पोपट लाल की आत्मा आ जाती है, एकदम पैसे के लिए जबान लकड़पा जाती है, एकदम तिलमिला उठता हूँ, एकदम गलगला जाता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। आ रहा है पैसा वसूलें, ऑल द बेस्ट। बॉबी साहब ये बड़ा सीटी विटी लाली लंपट बड़ा खुश हो गया, कहाँ जा रहा है, क्या बात है? बस यूं समझो कि सोनिया के साथ अपना रिश्ता पक्का करके आ रहा हूँ। हाय हाय हाय, अब तो सिर्फ बजाना बाकी है बैंड। वो तो हम बजा दूंगा आपका बैंड। क्या बोला बे? मतलब 6 महीने का भाड़ा निकालो पहले। तो पैसे के नौकर क्या समझ रखा है तूने? हाँ तू ये सोचने लगा है कि पोपट अंकल अपनी सारी जायदाद तेरे नाम करके हरिद्वार चले गए?
पोपट अंकल ने हमको बोला था कि बॉबी से आज का आज पैसा वसूलना, नहीं तो उसका सारा सामान जब्त करके उसको चड्डी और बनियान में भटिंडा वापस भेज देना। भटिंडा नहीं रही, लुधियाना, उसके आगे खुद निकल जाना। ओए बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बरेली नौकर, तमीज से बात करो। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, पोपट अंकल को अभी लेके आता हूँ। मैं तो मजाक कर रहा था, पैसे तो देना है लेकिन क्या है कि अभी फिलहाल पैसे नहीं है। अच्छा तो फिर वो डायमंड नेकलेस कहाँ से आया? वो अब तुझे कैसे समझाऊँ यार। देख क्या है कि मार्केट में नकली डायमंड नेकलेस तो मिलता है, पर नकली नोट तुझे देने के लिए मैं कहाँ से लाऊं? मम्मा कितना सुंदर नेकलेस है ना। सुंदर है, अपने डैडी से कहो मेरे गले के लिए भी कुछ ला दे। हाँ मम्मा, आपको खांसी बहुत हो रही है ना, मैं पापा से कहती हूँ आपके लिए खांसी की दवा लेकर आए। इडियट, मैं दवा की नहीं तेरे जैसे नेकलेस की बात कर रही हूँ। मेरे जैसा नेकलेस क्यों मम्मा, ये तो सिर्फ 1.5 लाख का है, पापा आपके लिए ना 4-5 लाख का नेकलेस खरीदेंगे। बबली जी, अब आप इतनी जिद कर रही हैं तो प्यारी जी से कहकर बनवा लीजिए ना ऐसा नेकलेस। अब वो क्या आप पर 100-150 रुपए नहीं खर्चा कर सकते? 100-150? हाँ और क्या, अब ऐसे नकली डायमंड के नेकलेस 100-150 रुपए में तो मिलते हैं। नकली डायमंड नेकलेस? यू मीन टू से बॉबी ने मुझे तोहफे में नकली डायमंड नेकलेस दिया है? ऑफ कोर्स, एक फ्रॉडर कर भी क्या सकता है। हाय हाय, मुझे कहीं से जलने की बू आ रही है। आंटी जी, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना तो खुद जाकर बॉबी का टेस्ट ले लीजिए। टेस्ट? हाँ मम्मा, मम्मा हम ना बॉबी का नार्को टेस्ट लेते हैं। नहीं नहीं सोनिया, वो टेस्ट नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि तुम बॉबी के पास जाकर बोलो कि बॉबी मुझे अपनी ज्वेलर के पास ले चलो, मुझे अपनी मम्मी के लिए ना सेम टू सेम नेकलेस बनवाना है। बस ज्वेलर के पास जाते ही उसकी पोल खुल जाएगी। वेरी गुड आइडिया विकी, लेकिन एक बात बताऊँ, मैं तुम्हारी मम्मी के लिए नेकलेस क्यों बनवाऊँ? हाँ सोनिया, मैं अपनी मम्मी की नहीं तुम्हारी मम्मी की बात कर रहा हूँ, बबली जी की। दैट मींस, वेरी गुड वेरी गुड, तो ठीक है मैं अभी बॉबी को उस ज्वेलर के पास लेकर जाती हूँ। परफेक्ट। बेबी, बॉबी, बेबी, तुम ये नेकलेस कहाँ से खरीदा? ये चोर बाजार से। क्या? चोर बाजार के पास बेबी सेठ करोड़ी मॉल जवेरी जी की दुकान है, मैं वहाँ से ले आया। अच्छा सुनो ना, बोलो ना। यहाँ पर मुझे ना मम्मा के लिए सेम टू सेम ऐसा ही नेकलेस चाहिए। वो दरअसल एक ही पीस का ऑर्डर दिया था ना मैंने, ये पीस जो है ना मैंने खास ऑर्डर पर बनवाया। क्या इधर, ऐसी क्या खास बात है इसमें? इसमें ये जो डायमंड्स लगे ना बेबी, ये तंजानिया से मंगवाया है, इसीलिए ऑर्डर दे ही नहीं सकते। तंजानिया से डायमंड्स तो हम भी मंगवा सकते हैं, मुझे सेम टू सेम ऐसा ही नेकलेस चाहिए। पर कैसे बेबी? लेकिन क्यों नहीं मिल सकता? वो आज मंडे है ना, तो मंडे के दिन सेठ जी का दुकान बंद रहता है, तो जा ही नहीं सकते। हाँ तो कोई बात नहीं ना, हम कल चले जाएंगे। कल कुछ सोचना पड़ेगा। क्या? कल कैसे जाएंगे हम लोग, उसके बारे में सोचना पड़ेगा ना बेबी। तुम्हें मैं टैक्सी में ले जाऊं, रिक्शा में ले जाऊं, या अपनी गोद में उठा के ले जाऊं? नाटी, आज तो तू बच गया छोलर, लेकिन कल नहीं बचेगा। वो बॉबी जो है ना, हाँ, उस सोनिया को अपने ज्वेलर के पास लेकर कभी नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कोई ज्वेलर सोनिया के पास आ जाए। हाँ, तो जाओ जाके लिवा लाओ। लिवा लो? कहाँ से लिवा लो, ऊपर से टपकेगा क्या? अरे मैं किसी ज्वेलर को जानता ही नहीं यार। राजा, तू किसी ज्वेलर को जानता है क्या? मैं चंद ज्वेलर्स को जानता हूँ, दीप चंद, गुलाब चंद, राधा चंद, बस इनमें से किसी एक ज्वेलर को लिवा लो, अपना काम हो जाएगा। सेट कैसे लिवा लो? कैसे का क्या मतलब? हाँ? अभी तो तूने कहा तू जानता है ना उन्हें। अरे हम जानता हूँ, वो हमको थोड़ी जानते हैं कोई, कहाँ से लिवाना हूँ जाकर के? अरे राजा, ये मजाक का वक्त नहीं है, तू सीरियसली कुछ सोच यार। अरे तो सीरियसली विक्की साहब, हम आपको एक झकास आइडिया देता हूँ, एकदम बढ़िया, अलग हटके, एकदम डिफरेंट टाइप का। बताइए डिफरेंट आइडिया। आप हमको जो है वहाँ पे ज्वेलर्स बना करके ले चलिए। क्या बात कर रहे हैं, तुझे ज्वेलर बनाकर? हाँ हाँ, गांव के नाटक में एक बार हमने ज्वेलर का रोल किया था, सेठ मोतीलाल हीरा चंद। आज भी जब हम गांव जाता हूँ तो लोग हमसे बोलते हैं, आओ सेठ मोतीलाल हीरा चंद। बात तो तू पते की कर रहा है, क्योंकि नकली नेकलेस को नकली प्रूव करने के लिए असली ज्वेलर की जरूरत थोड़े ना। तो फिर तू काम कर, तू कल क्यों, कल करे सो आज कर। तू आज ही मेरे साथ चल बनकर सेठ मोतीलाल हीरा चंद। ओए अब मैं क्या करूं, ये विकी का बच्चा मोती को मुझ पर छोड़ रहा है? नहीं 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 नहीं,
सुनिए, मुझे नहीं लगता कि ये हार निकली है। देखो ना इसकी डायमंड कैसे चमक रहे है ना मम्मा। मुझे पता है आप सच कह रही है। वैसे भी आप किसी जौहरी से कम है क्या? इससे पहले भी तो आपने एक हीरा देखते ही परख लिया था। हीरा परख लिया था? कौन सा हीरा भाई? प्यारे मोहन पांडे, आई मीन डैडी। मेरे डैडी किसी हीरे से कम है क्या मम्मा? एनीवे सोनिया, ये है ना नेकलेस, तू मुझे पहनने के लिए दे दो। नहीं मम्मा, मम्मा आप इस नेकलेस को पहनकर बाहर जाएंगी और अब किसी ने आपको उठा लिया तो मुझे कौन उठाएगा? अब जो मुझे उठाएगा ना वो तो खुद ही उठ जाएगा। आओ जी आओ, हाँ जी आओ, इनसे मिलो जी। ये है सोनिया और ये है बबली जी। अब ये कौन है? ये, अरे ये शहर के बहुत बड़े ज्वेलर है, मोती चंद हीरा लाल। ना ना, मोती चंद हीरा लाल नहीं, मोती लाल हीरा चंद, ईमान बेच के। अरे ईमान बेच तो बात एक ही है, सेम थिंग जी। सोनिया, अरे इनको वो नेकलेस दिखा, नेकलेस। एक मिनट में बता दें कि वो नेकलेस असली है या नकली। ला छोरी, तुम मन ने अपना नेकलेस दिखा, मैं एक मिनट में बताऊंगा जो असली है कि नकली है, ईमान बेच कर। देखिए एक मिनट, लगता है ये चेहरा मैंने कहीं देखा है। चेहरा? अब मारा चेहरा तो 24 घंटे हमारे साथ रहे हुए है, तुम्हारा चेहरा कटे को नहीं देख सके, ईमान बेच के। नहीं नहीं सेठ, मोतीचंद हीरा लाल जी। ना ना, मोतीचंद हीरा लाल नहीं, मोती लाल हीरा चंद, ईमान बेच कर। हाँ हाँ वही बबली जी, दरअसल ये बहुत फेमस ज्वेलर है, तो शायद आपने इन्हें कहीं ना कहीं देखा होगा। आप छोरी को देखिए। क्या बोला तू? मेरा मतलब है कि आप छोरी के नेकलेस को देखिए, ईमान बेच के। अब जल्दी बताइए ना, असली है कि नकली है? और छोरी अभी बताता हूँ, मारे को 30 साल का तजुर्बा है ईमान बेच करके, तजुर्बा ऐसे कौन ही लिया है मैंने। तो रिजल्ट भी आ गया जी, तो बताइए ना। नकली है, 100% नकली है, ईमान बेच के। ओह माय गॉड, मतलब बॉबी ने मुझे चीट किया, ये नेकलेस नकली है। लेकिन ये रोज असली है। बेबी, इस ज्वेलर की बातों में मत आना, ये नेकलेस असली है नहीं, मेरा ज्वेलर बताएगा। ओहो, ये कौन है? अरे ये शहर के नंबर वन ज्वेलर श्री करोड़ीमल जी है। जय जय। के बात कर रहा है भाया, मन ने तो थारे को आज तक देखा को नहीं है। अरे मैंने भी तेरे नहीं देखा भाया, शक्ल से तू ज्वेलर नहीं टेलर लागे है तू तो। देखो भाया, ज्यादा बात करो नहीं, ईमान बेच कर। अरे अरे, आप लोग लड़ने आए हो या नेकलेस को परखने आए हो? अच्छा करोड़ीमल, आप भी बता दीजिए कि ये हीरे असली हैं या नकली। अरे माल देखकर ही मैं पहचान गया, तो एकदम असली माल है, 100% असली है। अरे ऐसा माल तो तंजाना में खूब मिले हैं। के बात कर रहे हो भाया, मन ने तो तू ज्वेलर ना लागे, तो झोलर लागे मान बेच के। अरे शहर में सबसे पुरानी दुकान और सबसे बड़ी दुकान मारी है। हाँ शहर में नहीं, इस देश में 140 दुकान है मेरी, 140 ब्रांच। बात करे है बस 140 ब्रांच है थारे पास, हमारी तो पूरे वर्ल्ड में ब्रांचेस कितनी है, मैंने तो आज तक गिनी भी ना है, ईमान बेच कर। अच्छा अच्छा, चलो गिनती बाद में करना, पहले एक ब्रांच का आता पता बता। मैं कौन ही बताऊं, पहले तू बता। इस शहर में वार्डन रोड में सबसे पुरानी सबसे बड़ी दुकान है मेरी, और बोर्ड इतना बड़ो लगो है, सेठ करोड़ीमल एंड सन्स, ब्रैकेट में लिखा है ज्वेलर्स। हाँ वो आपकी दुकान है? अरे माँ, तुम ज्वेलरी खरीदने हमेशा जाते, पर आपको कभी नहीं देखा हमने। अरे भाई मैं तो मालिक हूँ, सेठ जी हूँ वहाँ का, वहाँ तो सेल्समैन होते हैं। लो अभी बात कराता हूँ पन्ना लाल सेल्समैन से मैं। पन्ना लाल? अरे उसे तो हम जानते हैं, वो दिल का बड़ा अच्छा है और हमेशा वेलकम कर देता है। हाँ वही, अभी बात कराता हूँ मैं इनकी। अरे नहीं नहीं अंकल, आप फोन मत लगाइए, अब हमें यकीन हो गया है। ओ नहीं नहीं, मैंने फोन करना है भाई। अरे बिल क्यों कम कर देता है वो? अरे पन्ना से बाद में बात कर लेना, पहले मोतीलाल से तो बात कर लीजिए। मोतीलाल जी ये बताइए कि आपकी दुकान कहाँ है? बताइए ना आपकी दुकान कहाँ है? मारी दुकान, तारी दुकान, हमारी दुकान हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज के नीचे हमारी दुकान। हावड़ा ब्रिज यहाँ कहाँ है? यहाँ नहीं भाया, कोलकाता में, कोलकाता में। तो यहाँ पर आपकी दुकान कहाँ है? अठे 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 चिंचपोकली, चिंचपोकली। चिंचपोकली में कहाँ? चिंचपोकली, हाँ चिंचपोकली में सिद्धि विनायक मंदिर है ना, उसके सामने। ओके ओके। अरे व्हाट ओके ओके? अरे सिद्धि विनायक मंदिर प्रभा देवी में। इसका मतलब ये झूठ बोल रहे, ये वाकई में ज्वेलर नहीं है। ना ना ऐसी बात कोनी है, अतः मन ने साबित करके बता कि मैं ज्वेलर ना हूँ, तन्ने साबित कर दे तो मैं अपनी मुच्छ बढ़ा दूंगा ऐसे करके। राजा तू? हाँ मैं। देखा तुमने सुनिया,
ये विक्की इस राजा को नकली ज्वेलर बना कर लाया ताकि आप सबके सामने मुझे झूठा साबित कर सके। जिंदगी में मैं इतना बदनाम कभी नहीं हुआ। एक काम करो, वो नेकलेस निकाल के दो मुझे, अभी दे दो मुझे। आज के बाद मैं तुम्हें कभी तोहफा नहीं दूंगा। अरे बॉबी ऐसा मत करना, हमें ना तुम पर यकीन हो गया है, ये डायमंड का हार असली है और ये सेठ करोड़ीमल है ना, ये भी असली ज्वेलर है। जे जे पर भाया मन ने तो, अरे चले बहुत हो गया, बरेली के मोती चंद हीरा लाल। ना ना मोती चंद हीरा लाल नहीं, मोती लाल हीरा चंद। बहुत हो गई राजा तेरी एक्टिंग, चल अभी यहाँ से। धन्य हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। इतने बड़े ज्वेलर होने के बावजूद आपने मेरे लिए झूठ बोला। ना भाया ना, मैं थारे कारण झूठ नहीं बोलो। तो किसके लिए बोलो? अरे तू भूल गया, और तूने मैंने कहा था कि अगर मैं थारे साथ चलूंगा तो तू मैंने 1.5 लाख के नेकलेस का ऑर्डर दिलवाएगा। मैंने ऐसा बोला था? तुमने ऐसे नहीं बोला था। तो लगता है बबली जी के पास जाना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा कि तुम बड़े ना मकूल किस्म के आदमी। याद आ गया गुजरा जमाना। मैंने बोला था आपसे, मैंने कहा था आपको कि बबली जी को 1.5 लाख का नेकलेस बनवाना है। लेकिन क्या है सेठ जी, अगर अभी उनको बोलते ना ऑर्डर के बारे में तो उनको हम पर शक हो जाता। भैया तारी बात में दम तो है। हाँ, तो फिर मैं जाऊँ, और कब आऊँ फिर मैं? 5 बजे जाऊँ? हाँ आप जाइए, मैं बता दूंगा। 5 बजे आता हूँ, 5 बजे बात कर लूंगा। जय 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 जय। चलो ये तो सेट हो गए, अब नेकलेस के लिए बबली जी को पटाना पड़ेगा, हो जाएगा। ओह मेरा डायमंड नेकलेस, हे भगवान, कहीं नहीं मिल रहा, मैंने हर जगह ढूंढ लिया। हराम, कहीं चोरी तो नहीं हो गया? क्या हुआ सोनिया? मम्मा मेरा डायमंड नेकलेस कहीं नहीं मिल रहा, मुझे लगता है शायद चोरी हो गया है। अरे अरे तू रो मत, चोरी वोरी कुछ नहीं हुआ है, देख वो है ना मैंने पहने। मम्मा आप भी ना, मैं कितना डर गई थी, बॉबी को पता चलता तो उसे कितना बुरा लगता था। बेबी ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। बबली जी आज तो आप माल लग रही है। सॉरी कर लगाना भूल गया था, मेरे कहने का मतलब आप कम माल लग रही है। सच कह रहा हूँ, ये नेकलेस पहनकर आप मुझे बागबान की हेमा जी लग रही है। झूठ बोल रहे हो? झूठ बोलने की तो मेरी आदत ही नहीं है ना। सच्ची कह रहा हूँ, ये नेकलेस पहनने के बाद आपके चेहरे पर 4 चांद लग गए। बॉबी चांद 4 होते हैं? मैंने 1 चांद तो देखा है, बाकी के 3 कहाँ हैं? बेबी 3 का तो पता नहीं, पर 1 तुम्हारे घर पे। घर में चांद? घर में कैसे हो सकता है? हाय हाय, ये तुम्हारे डैडी की बात कर रहा है, उनका चांद तो हमेशा चमकता रहता है ना। तो मम्मा वैसे तो बहुत सारे चांद होंगे ना। ओहो मेरी चांदनी, चांद की बात छोड़ो, और जरा इनके गले में तो देखो 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 देखो। सच आपके गले में ये नेकलेस देखकर मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे भी इनके लिए एक नेकलेस बना देना चाहिए। ओहो बॉबी तो बनवा दो ना। बनवा तो देता लेकिन। लेकिन क्या? नहीं वो प्यारे जी गुस्सा हो जाएंगे। हाँ वो क्या है, किसी भी हस्बैंड को ये थोड़ी ना अच्छा लगेगा कि उसकी वाइफ के लिए कोई दूसरा गहने बनवा दे। और बॉबी वैसे भी ना डैडी ने मम्मी को प्रॉमिस किया है कि वो मम्मी के लिए नेकलेस बनवा देंगे। नहीं सच्ची? हाँ सच्ची। तू नेक कम में देर क्यों? मैं काम करता हूँ, मैं करोड़ीमल को अभी बुला लेता हूँ, है ना? आप ऑर्डर दे देना। आप ऑर्डर दोगी ना? हाँ। नहीं ऑर्डर दे देना। हाँ भाई हाँ। ऑर्डर दे देगी ना? हाँ। ओके। हाँ बॉबी तुम उन्हें बुला ही लो, वैसे भी मम्मा को ये नेकलेस बहुत पसंद आ गया। ओके बेबी। थैंक यू बॉबी। अरे थैंक यू किस लिए? तुमने मुझे वो बागवान के हेमा मालिनी कहा ना इसके। वो तो आप लगती हो, लेकिन ये बात आप प्यारे जी से मत कहना। क्यों? वो अपने आप को धर्म जी समझने लगेंगे। एक और एक और एक और। अरे वाह ये क्या हो रहा? कुछ नहीं बॉबी, मैंने ना अभी दवाई पी है। दवाई पिए? हाँ। तो उछल क्यों रही हो? अरे वो डॉक्टर ने कहा था दवाई पीने से पहले बॉटल को शेक करना, मैं बॉटल शेक करना भूल गई तो अब दवाई को शेक कर रही हूँ। ओह इसके दिमाग का तो कुछ करना पड़ेगा,
वरना मेरे बच्चे भी एड़े पैदा होंगे। What? यार, को बबली जी का है, बबली जी का है, दिखाई नहीं दे रही है। वो क्या है, मैंने सेठ करोड़ीमल जी को बुलाया ना नेकलेस का ऑर्डर देने के लिए, तो वो आते ही होंगे। अच्छा मम्मी बाहर गई है, अभी आती होंगी। मम्मी बाहर गई हुई है, तू पर क्या करिए, आना कम कम बेबी। जय जय, कैसे हो बॉबी भैया? देखो मैंने 5 बजे बुलाया गया और मैं ठीक 5 बजे ही आया। एकदम सही वक्त पर आ गए, एकदम सही वक्त पर आ गए आप। आइए आइए, बैठिए बैठिए ना बबली जी, बस आती होगी। आप कुछ खाएंगे पियेंगे? नहीं, चाय कॉफी तो चलेगी ना? नहीं नहीं, मैं चाय कॉफी नहीं पीता भाई, शायद मीठे से मोटा हो जाऊं। अच्छा है नहीं पीते। वो हमारी काम वाली बाई ना चंपा, वो आज नहीं आई। हेलो बॉबी, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ये देखो आपसे मिलने के लिए कौन आया है, सेठ करोड़ीमल जी। ओ करोड़ीमल जी, क्या हालचाल? बस एकदम चौकस, बिल्कुल 24 कैरेट। अरे बॉबी भैया बात करना, मतलब की हाँ, वो बबली जी आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि आपके नेकलेस का ऑर्डर देने के लिए मैं करोड़ीमल जी को बुलाने वाला हूँ। हाँ याद है बॉबी, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन बॉबी मुझे अब ऐसा नेकलेस का ऑर्डर नहीं देना है। क्यों क्यों? अरे क्योंकि कोहिनूर ज्वेलर्स वालों का फोन आया था, मैं उनके पास से ही आ रही हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि प्यारी जी ने मेरे लिए 5 लाख की नेकलेस का ऑर्डर किया है। ओ माय गॉड, मैंने ट्रायल दिया, माय गॉड बहुत ही ब्यूटीफुल नेकलेस है। ये कैसे हो गया जी? ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। ये सोनिया पोपट अंकल का हाथ पकड़कर उसे सिंपथी दिखाती है। अंकल क्या सचमुच बॉबी को दिखाई नहीं दे रहा? इसे कुछ दिखाई नहीं देता। तुम्हें तो कुछ दिखता नहीं ना, फिर ये मैच कैसे देख रहे थे, चौका छक्का? दरअसल मेरा एक दोस्त है जो कि आंखों का डॉक्टर है, उससे मुझे बताया है कि बॉबी की आंखें सही हो सकती है। तुम्हारे अंधे बॉबी को मैं लुधियाना एक्सप्रेस पर बैठा कर आ रहा हूँ। ये तो होना ही था।